हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा गेट एग्जाम में आ चुका है इस बार का। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, दी इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन डिपेंड्स ओनली ऑन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर गिवन है, वेयर के इज कॉन्स्टेंट टू द फ्लक्स ऑफ ई थ्रू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन इज इक्वल टू दिस, है ना, एन पाई के आर। तो वेयर द वैल्यू ऑफ एन, हमको यहाँ पर इस एन की वैल्यू बतानी है, ये क्या होगी इन इंटीजर्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यार, चूंकि क्वेश्चन तो हमारा ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है, या आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इलेक्ट्रो डायनामिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा किससे, मैथमेटिकल फिजिक्स से। ठीक है, तो देखते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व हो सकता है। देखो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। देखो मैथ में एक बात बता दूं आपको, मैथ में ना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से कुछ नहीं होता, मैथ में वेक्टर वेक्टर होता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं इसको एक वेक्टर की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रहा हूँ, और हमको यहाँ पे निकालना है फ्लक्स। तो देखो फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होता है, देखो फ्लक्स का मतलब होता है ई डॉट डी ए डॉट डी ए, इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, वही चीज यहां पर है कि हम इसका सरफेस इंटीग्रल निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एक सरफेस इंटीग्रल। अगर हम यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल की बात करें तो सरफेस इंटीग्रल होगा वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। तो ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल होता है, इसी को हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। तो यहाँ पे एफ का मतलब है वेक्टर फील्ड, तो वेक्टर फील्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे नहीं लिख सकते क्या, तो ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ई डॉट एन कैप और इंटू डी एस। अब यहाँ पे चूंकि हमको क्या दिया गया है, हमारे पास यहाँ पे एक स्फेयर है, तो हम यहाँ पे अपना एक स्फेयर बना लेते हैं जिसका रेडियस कितना है, आर का। तो ये मेरे पास दोस्तों एक स्फेयर हो गया ना, ये मेरे पास क्या है, एक स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास आर। तो ये इसका क्या है, रेडियस हो गया आर। अब इस स्फेयर पे मैं एक अपना क्या निकाल लेता हूँ, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो देखो ये स्फेयर है तो इस पे एक यूनिट वेक्टर होगा, तो मान लीजिए ये मेरे पास एक यूनिट वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो हमको पता है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा डेल फाई अपॉन मॉड डेल फाई। अब आप बोलोगे सर ये डेल फाई कहाँ से आएगा, तो हमारे पास जो स्फेयर है इस स्फेयर की एक इक्वेशन होती है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम इक्वेशन ऑफ स्फेयर। तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्फेयर, तो वो हमको क्या दिया गया है, तो आपको पता है ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता है। अब इसी से हम अपना सरफेस बना लेते हैं, तो हमारे पास सरफेस क्या होगा, तो वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब हम निकाल लेंगे अपना डेल फाई। तो अगर आप यहां से डेल फाई निकालना चाहते हो तो डेल फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टू एक्स आई कैप प्लस टू वाई जे कैप प्लस टू जेड के कैप। तो ये हमारे पास डेल फाई की वैल्यू है। अब ये हमारे पास डेल फाई है, तो इसको हम यहाँ पे मॉड डेल फाई लिख लेते हैं। तो
ये जो मॉड डेल फाई निकल के आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखो ये आपका 222 है ना, तो 4x स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे अंडर रूट, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो दोस्तों इसको मैं 2, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे r, तो इसको मैं 2r लिख सकता हूँ भाई, यहां से मैंने r की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां से मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो n कैप आया, ये हमारे पास होता है डेल्टा फाई अपॉन मॉड डेल्टा फाई, ये इसकी वैल्यू होती है ना, ये इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, तो डेल फाई की वैल्यू कितनी थी, 2 बाहर ले लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप डिवाइडेड बाई 2r। तो यहां से हमारे पास एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप डिवाइडेड बाई r आ गया। तो ये हमारे पास इस n कैप की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास n कैप है ना। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, e डॉट n कैप निकाल देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर वेक्टर e डॉट n कैप निकाल देता हूँ। अब e की वैल्यू कितनी है, तो e की वैल्यू है k ब्रैकेट, ये हमारे पास है x x कैप, तो यार इसको ना मैं x कैप, ओ सॉरी, ये हमने सब यूनिट वेक्टर i j के ले रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो अंडरस्टूड होता है हमको यार, है ना, वो आदत हो गई है ना हमारी इसको मानने की। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू, अब यहां पर भी मैं क्या करता हूँ, ये n कैप की वैल्यू है, तो मैं अपने i को ना इसकी फॉर्म में लिख लेता हूँ, है ना, ऐसा मत कहना कि सर ने ऊपर ये लिखा, यूनिट वेक्टर ही तो है, तो मैंने आई जे के को इसकी फॉर्म में लिख लिया, ये है मेरे पास r। अब इसका डॉट ले लो, तो ये तो आपका k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये रहेगा, इसका डॉट लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर से ज्यादा एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई है k, तो ये वैल्यू मेरे पास k निकल के आ गई। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास e डॉट n कैप, इसकी वैल्यू k निकल कर आई है ना, तो इसकी वैल्यू मेरे पास k निकल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, तो देखो यार फॉर्मूला मेरे पास जो था वो ये था कि इंटीग्रल e डॉट n कैप और इंटू ds। तो यहां से e डॉट n की वैल्यू कितनी है, k इंटू ds, तो k ऐसी रहेगा। अब यहाँ पे मेरे पास ds क्या हो सकता है, तो ds, अब ये क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर के लिए हम लिख लेंगे क्या, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा डी थीटा और डी वाई, है ना। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो k ये हो जाएगा r स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास जो आर स्क्वायर है कैपिटल आर स्क्वायर है क्योंकि रेडियस है इसका, तो हम यहाँ पे ना इसका रेडियस कैपिटल आर स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4π। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, 4π आर स्क्वायर इंटू के। और आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, हमको यहाँ पे जो फ्लक्स है वो ये दे रखा है, मतलब यहाँ पे हमको फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल e डॉट n कैप और इंटू ds। तो ये वैल्यू हमको फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी है, n पाई के आर इज इक्वल टू 4π के आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास है, और मेरे ख्याल से एक r ये भी रहा यार, ये r आपका यहाँ भी आएगा, ये ना इस r को हमने मिस कर दिया है, तो ये आपका k बाई r हो जाएगा। तो ये भी मेरे पास आपका k बाई r आ रहा है, ये भी हमारे पास k बाई r आ रहा है, ये भी मेरे पास r आ रहा है, तो इस r से ये वाला r कैंसिल, है ना। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 4
पाई के आर। तो ये मेरे पास क्या बचा, 4 पाई के आर, है ना। तो ये हो गया। अब देखो इस आर से ये वाला आर कैंसिल, इस के से ये वाला के कैंसिल, इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल, तो एन इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो यहाँ पे इस एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो देखो हमने ना इस क्वेश्चन को मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लिया, ना मेरे को चार्ज का लेना देना है, ना मेरे ये बनाया कि स्फीयर है, ना मैंने इसके अंदर कुछ रिंग बनाई, ना ये बनाया, सिंपल सा मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन था, हमने इसको इस तरीके से उड़ा दिया। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है, अगर मैं यहाँ पे इसका आंसर फिट करूँ, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया दोस्तों, यहाँ पे 4, है ना, 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसी और लेक्चर में। बाय बाय।